संध्या के समय हो जाता है, तब लोग व्यस्त हो जाते हैं घर लौटने के लिए। इस प्रकार जीवन का सूर्य कभी भी अस्त हो सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, उम्र बढ़ रहा है, अस्तो दिन गेलो बोली वही व्यवस्थ पता चलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। बहुत बार हम लोग सोचते बाद में भक्ति करेंगे, अभी बहुत टाइम है, लेकिन काल कभी भी आ सकते। इसलिए हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा हमेशा दो चीज का याद रखना चाहिए, मृत्यु दूसरा है भगवान के नाम। पर हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए नौकरधाम जाने के लिए। हमेशा हमें रेडी होना चाहिए कि कभी मृत्यु होगा बहुत हम चले जाए, समझ रहे। तो दिन तो तपन हो अस्तो दिन गलो बोली हुई व्यस्त तबे कहो एवे अलस हो। Why I am becoming lazy? Not chanting the holy name, not getting up early in the morning, or sleeping during chanting. Why I am getting lazy? There is no option of becoming lazy. Because the situation in this material world is like that. केवल हरिनाम जप करने से ही नहीं होगा, पहले तो हमें 16 माला पे आना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट द टिकट ऑफ द फ्लाइट। उसके बाद क्वालिटी चैंटिंग करना पड़ेगा। केवल चैंटिंग करने से नहीं होगा, 16 माला चैंटिंग करने से नहीं होगा। जागो उदित तपन होइले अस्त जागो दिन गेलो बोली होइबे व्यस्त। तो केवल 16 माला जप करने से नहीं होगा, क्वालिटी 16 माला करना चाहिए, है ना। क्वालिटी 16 नाम तभी हम लोग भगवान के धाम में जा सकेंगे, भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए जीवन अनित्य जानो सार ताहे नाना विध विपद भाव है। इसमें अलग अलग प्रकार के विपद है, समस्याएं हैं, कितने प्रकार के टेंशन है। इसलिए नामाश्रय बोली जतो ने तुम्हें थाको हो आपनो कार्य, आपका जो कर्तव्य है उसको करिए। नामाश्रय करी जतने तुम भगवान के नाम का आश्रय लेके
अपने भौतिक कर्तव्य का पालन करें, भगवान के नाम का आश्रय लेके अपना कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि नाम बिना किछु नाही क्वार चौदह भुवन मज। नाम से और कोई सत्य नहीं, दो ही सत्य है, मृत्यु और भगवान के नाम। तो जीव को उद्धार करने के लिए महाप्रभु इस मधुर नाम को लेके आ रहे हैं। जीवे लो कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम अविद्यति वीर तपन रूपे ऋद्ध गण विनाशे उदिल ऋण पूरव भागे विजमणि गोरा मणि जागे भक्त समूह लैया साथे गिलान गौरव। महाप्रभु जी हर दिन सुबह होता था तो सबको लेके निकल जाते हरि नाम संकीर्तन। महाप्रभु सिखा रहे जागो, सोए मत रहो। एक तो अपने जीवन में अज्ञान में सोए मत रहो, और सुबह के समय सोए मत रहो। सुबह के समय किस लिए? इसलिए हरि नाम करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हमारे जीवन के कीमती मनुष्य समय मनुष्य जीवन उसको भगवत प्राप्ति के लिए लगाओ। ऑलवेज रिमेम्बर दिस ह्यूमन बॉडी हैज बीन गिवन टू गेट आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। तो भगवान हमारे जो जरूरत है ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग केवल इस बॉडी को केवल मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हैं। जैसे गाड़ी गाड़ी का मेंटेनेंस हो रहा है, गाड़ी का माइलेज नहीं है, गाड़ी का केवल मेंटेनेंस हो रहा है, नो माइलेज। उसी प्रकार हमारा हम लोग जिंदगी किसके जी रहे हैं, कैसे क्या खाएंगे कहां सोएंगे उसकी चिंता में जा रहे हैं। भगवत चिंतन समझ में आ रहा है। इसलिए आप लोगों का एग्जाम पीरियड है, मेक श्योर योर चैंटिंग इज कंप्लीट इन द मॉर्निंग और दिन में पढ़ा, तब आप स्पिरिचुअली जीवित है। यू आर स्पिरिचुअली लिविंग, अदरवाइज यू आर स्पिरिचुअली डेड। और जब आप जब करते हो सुबह, जब आप कृष्ण के आश्रय लेके आपके भौतिक कर्तव्य का पालन करते हो, जैसे अर्जुन ने किया, कृष्ण के आश्रय लेके जब करके, तो आपको बहुत क्लैरिटी रहेगा। कृष्ण बहुत शक्ति देगा आपको, बहुत एनर्जी देगा आपको। तब क्या होगा, आप अपना भौतिक जीवन में भी आप सफल रहो। इसलिए वी हैव टू बी कॉन्शियस। और जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूं कि प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, सुबह का समय कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे हम लोग हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हरे राम प्रभु की जय, हरे कृष्ण मनोरम जय, हरे हरे। टुडे